कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एक अच्छा डे शेड्यूल बना सकते हैं जिसमें हम 10 से 12 घंटे अच्छे से हमारी पढ़ाई को भी कर सकें और साथ ही हमारी जो दैनिक दिनचर्याएं होती हैं उनको भी पूर्ण कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्यों समय प्रबंधन जरूरी होता है, साथ ही समय कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सिर्फ एक यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए नहीं, विद्यार्थी के लिए भी और साथ ही हर एक उस इंसान के लिए जो अपने जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए हम आज की इस वीडियो में, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूं, तो मैं अपने नज़रिए से आपको उस जो है समय प्रबंधन को बताने जा रहा हूं। जो मैंने महसूस किया है उस चीज़ पर आपको बताना चाहता हूं कि हम महीने में 300 के 300 दिन जो है अपने जो डेली शेड्यूल होता है उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। महीने में 2 से 3 दिन ऐसे भी होंगे जब हम अपने डे शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। कभी कभार थोड़ा जो है ऐसा लगेगा कि आज कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है। मैं जानता हूँ, मेरे साथ भी 2 दिन पहले ही हुआ है, तो आपके साथ होता है मैं जानता हूँ। कभी कभी बस ऐसा लगता है कि बस आज तो कुछ भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ, इस तरीके की सिचुएशन आती रहती है। तो इन सब से कैसे निपटा जाए मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा। अब देखिए, सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखिए कि हमारे जीवन में जो है उतार चढ़ाव आते रहते हैं, क्योंकि ये जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। अगर देखें तो देखिए, आर्थिक स्थितियाँ भी होती है, समाज के ताने भी होते हैं, घर वालों की परेशानियाँ भी होती हैं, इस तरीके की बहुत सारी परेशानियाँ होती है जिसकी वजह से ये जीवन कठिनाइयों से भरा रहता है। लेकिन अगर हम उन कठिनाइयों की वजह से थक जाएं, हार जाएं, बैठ जाएं, तो ये समय हमारे लिए थक कर हार कर बैठने वालों में से नहीं है। ये समय अपने साथ उन लोगों को लेकर चला जाएगा जो इसकी कद्र करेंगे, जो इसके साथ साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलेंगे। तो हमें भी समय के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलना है। वो कैसे, तो थोड़ा सा जोश देने के लिए सर मार्टिन लूथर की कुछ पंक्तियाँ थी जो आपको सुनाना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़िए, और अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, और अगर आप चल भी नहीं सकते तो आप रेंगिए, लेकिन रुकिए मत, हमेशा चलते रहिए। इस समय के साथ हो सके तो समय से एक कदम आगे भी रहिए। तो देखिए, कभी कभी क्या होता ना कि हमारे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, मैं जानता हूँ, ऐसे सिचुएशंस आती रहती हैं, तो उस दिन इन सिचुएशन को हैंडल करना सीखना है। तो उस टाइम क्या करना है कि 20 से 25 मिनट थोड़ा मेडिटेशन करना है और कुछ अच्छे म्यूजिक सुनने हैं, या फिर अपनी कोई फेवरेट मूवी देखनी है, ये देख करना है। और साथ ही कोई भी आप जैसे कि देखिए, जो म्यूजिक होता है ना, म्यूजिक की दुनिया होती है ना, इंसान का कैसा भी मूड हो उसे बदल देती है। तो आप अच्छे से 10 से 20 मिनट सॉन्ग सुनिए, 10 से 20 मिनट मेडिटेशन कीजिए, आपका माइंड ऑटोमेटिकली पढ़ने के लिए आ जाएगा। और कभी कभार क्या होता है कि हमारा मन नहीं होता है पढ़ने का, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा मन होता कौन है जो हमें नियंत्रित करेगा। हम हमारे मन को नियंत्रित करना आना चाहिए, तो इसीलिए आप अपने मन को नियंत्रित कीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा ही पढ़ने का मन नहीं होता, तो जो मैंने अभी पहले उपाय बताया उसे आप ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको जो है बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए, अब हम एक स्टडी वैसे फील कहूँगा कि कभी भी ना टाइम टेबल जो है इम्पोर्टेंट नहीं रहता है कि हमारा क्या टाइम टेबल है, बस ये इम्पोर्टेंट रहता है कि हमने आज जो टारगेट बनाया है क्या वह पूरा हो पाया है या नहीं हो पाया, ये सबसे महत्वपूर्ण थिंक होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम जो है सुबह उठकर शाम सोने से पहले किस किस समय क्या क्या पढ़ सकते हैं। चाहे मैं इस वीडियो में जरा सा भी आगे बढ़ने से पहले आपके बात एक बात ज़रूर शेयर करूँगा, आप उस बात को ध्यान से सुनिए और अपने आप में उस बात को फील कीजिए। देखिए, हम अभी हमारा जीवन जो है एक विद्यार्थी का जीवन है, और हमारे जीवन का जो कर्तव्य है वो यही है कि हम जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, उस दिनचर्या के अलावा जो भी समय हमारे पास रहता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नॉलेज को इम्प्रूव करने में, हम जो है जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं सिर्फ हमारी किताबों के साथ जाना चाहिए। ये विद्यार्थी जीवन का कर्तव्य है। बाकी अगर आप अदर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो या फिर कुछ भी फ़ोन यूज़ करो, तो उसका एक निश्चित समय होना चाहिए कि अपनी दिनचर्या में आप 10 से 20 मिनट देंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आप समय दे रहे हो तो आप सिर्फ अपने आप को नहीं, किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, बल्कि आप अपने आप को, अपने माता पिता की भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हो, उनकी भावनाओं को धोखा दे रहे हो। तो इसीलिए यही कहूँगा, लेकिन मैं फिर भी आपको एक टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसकी वजह से आप, हाँ, अगर आप अभी तक अंधेरे में थे तो आप अब शायद क्या पता इसके अनुसार अपना शेड्यूल बना लो। लेकिन फिर यही कहूँगा कि पढ़ाई के लिए कोई टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, बल्कि हम जब भी फ्री रहें हमें कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। हाँ, हमारी जो दैनिक गतिविधियाँ हैं, जो दैनिक दिनचर्या हैं, उसमें कुछ समय होता है जिसे हमें देना ही पड़ता है, लेकिन बाकी जो समय रहता है उसे हमें सिर्फ पढ़ाई पर देना पड़ता है। अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो तो नॉर्मली आपको 2 या 3 सब्जेक्ट ही लेकर चलना चाहिए, इससे ज़्यादा लेकर नहीं चलना चाहिए आपको एक साथ में सारे सब्जेक्ट जब आप शुरुआती फेज़ में हो। कि कोई जो फ्रेंड है वो 4:30 बजे उठ जाते होंगे, तो अब वो मेरे टाइम टेबल के बनाए के अकॉर्डिंग क्या वो 7:30 बजे या 7 बजे उठना शुरू कर देंगे? नहीं,
उन्हें उसी टाइम उठना है, लेकिन बस जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा बेक कर लेना है ना, ताकि किसी सब्जेक्ट को, तो देखिए अगर हम जो है अपने फोकस के साथ, क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो हमारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, तो देखिए ह्यूमन ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है कि वो उतनी कैपेसिटी तक थोड़ा फोकस कर सकता है, उसके बाद फिर वो ज़रूर डाइवर्ट होगा। तो नॉर्मली हमने जो है 1.5 घंटे का एक शेड्यूल रखा है जिसमें आप 1.5 घंटे एक पार्ट में एक सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो। फिर अगर मान लीजिए आप दो सब्जेक्ट कवर कर रहे हो तो दोनों सब्जेक्ट को 3-3 घंटे दे दीजिए, ठीक है। फिर पीछे जो समय बचेगा उसमें हम उसके PYQs, उसकी मेंस की प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, और जो करंट अफेयर्स हो गया डेली का, न्यूज़पेपर के लिए, इन सब में देंगे। आपको क्या करना है, जैसे कि फर्स्ट सब्जेक्ट हमने लिया था 7 से 8:30 के बीच में, फिर 1/2 घंटे बीच में ब्रेक ले लीजिए जिसमें आप थोड़ा जो है पावर नैप यानी कि थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हो। देखिए जो ब्रेक लेना उसमें फ़ोन को यूज़ मत कीजिए, इसमें आप अपने आप को रिचार्ज कीजिए। जैसे कि आपने एक मोबाइल देखा होगा ना, अगर उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हमें वापस चार्ज कर, जब हम वापस चार्ज करते हैं ना तभी वो वापस जो है पावर ऑन होगा। सिमिलरली जब आप 1.5 घंटे पढ़ोगे ना तो आपकी बैटरी चार्ज जो है डिस्चार्ज होगी। तो जो बीच में आप ब्रेक दे रहा हूँ ना मैं, वो इसीलिए है कि आप अपने आप को वापस चार्ज कर पाओ, तो ये ज़रूरी है। तो आप अब चार्ज जब अगर आप फ़ोन देखने लग जाओ तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं होगा ना, तो ये ध्यान रखना है। फिर 9 से 10:30 फिर दूसरा 1.5 घंटे का शेड्यूल होगा जिसमें आप जो है उसी सब्जेक्ट के सेकेंड पार्ट को कीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर होगा और सेकेंड पार्ट यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जो है आप 1 घंटे का ब्रेक लेकर जिसमें लंच वगैरह आपकी जो भी नहाना धोना वो सब आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में जो समय आता है फिर तीसरा सब्जेक्ट, अब तीसरा सब्जेक्ट का मतलब है कि अगर ये आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो होगा आपका दूसरा सब्जेक्ट जिसमें आपके दूसरे सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर होगा और सेकेंड पार्ट यहाँ पर होगा। जैसे कि देखिए आप एक कोई क्लास कर रहे हो तो नॉर्मली 1.5 घंटे की क्लासेस होती हैं अधिकांशतः, तो क्लास आप यहाँ पर करो और फिर यहाँ पर इस फेज में आप उस क्लास के नोट्स बना लो, रिविज़न कर लो और सारी PDF वगैरह पढ़ लो। बीच में जो ब्रेक आया सिमिलरली वही बात कि आपको यहाँ पर अपने आप को चार्ज करना है, ना कि फ़ोन या सोशल मीडिया पर जाकर डिस्चार्ज करना है। सोशल मीडिया पर आपको जो है मतलब कि अपने दिन का एक समय तय करना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप तय कर सकते हो कि इस समय मुझे 20 से 25 मिनट जो, क्योंकि ज़रूरी है ये भी हमें जो है हमारे समाज से हमारे जो मित्र हैं उनसे भी जुड़ा रहना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के साथ जुड़ा रहना चाहिए जो हमारी शिक्षा में जो है हमें प्रोत्साहित करें। ऐसा नहीं हो कि उसके साथ जुड़े हो जो आपको दिन में 3 बार तो ये कहे भाई तेरा नहीं होगा तू क्यों इस एग्ज़ाम के पीछे पढ़ा है, तो ऐसे लोगों से तो हमें कनेक्शन ही नहीं रखना है, ठीक है, उनसे तो बस डिस्कनेक्ट हो जाना है, ठीक है ना। फिर देखिए फिर शाम का इवनिंग का टाइम हो जाता है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आता है रिवीजन। जो 1.5 घंटे का फेज होगा वहाँ पर आपको सिर्फ रिवीजन करना है, आपने जो भी पढ़ा था उसकी जो है पॉइंट्स वाइज रिवीजन कर लीजिए, ये ज़रूरी है। देखिए अगर हम कोई भी चीज़ पढ़े ना तो 24 घंटे तक अगर उसको वापस रिवाइज नहीं करेंगे ना तो भूल जाएंगे, मेमोरी जो है एकदम क्लियर हो जाएगी, तो इसीलिए ज़रूरी है, ठीक है। फिर आप वापस ब्रेक लीजिए और फिर आप यहाँ पर जो है अपना करंट अफेयर्स, अगर आप न्यूज़पेपर से करते हो तो न्यूज़पेपर से, कोई मैगजीन पढ़ते हो तो उस मैगजीन के 9 से 10 पेज, फिर डिनर करके फिर आप रिवीजन कीजिए, फिर जो नेक्स्ट फेज है ना उसमें आप रिवीजन कीजिए और जो है नेक्स्ट डे की यानी कि कल आपको कौन कौन से टारगेट्स पूरे करने हैं, आपके क्या क्या लक्ष्य हैं जो आप कल अपना पूरा करना चाहते हो, तो इसके लिए आप अपना पूरा जो है तय कर लीजिए, यानी कि फर्स्ट फेज में क्या करना है, सेकेंड फेज में क्या करना है। तो इस तरीके से आप एक बहुत ही अच्छी तरीके से जब आप इसको देखिए बार बार फॉलो कर रहे हो ना, इसको हर दिन बिना एक भी दिन स्किप किए, लेकिन देखिए मैं यही कहूँगा कि महीने में 1-2 दिन आएगा जब आप इसको फॉलो नहीं कर पाओगे तो उसके लिए कोई बात नहीं। देखिए अगर हम कभी सफल नहीं हो पाते तो इसका एक तो इसके लिए एक ही चीज़ है कि सबसे पहले पावर को ऑफ करो, ठीक है, फिर उसको चार्ज करो, फिर उसको जो है रीसेट करो और फिर रीस्टार्ट करो, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको यही करना है, बाकी अगर कोई इश्यू हो तो आप कमेंट कर सकते हो, इन आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको कुछ हेल्पफुल हमारा कंटेंट लगता है तो, बाकी अदरवाइज़ नहीं।